वेलकम बैक टू कौस्टी चैनल। सबसे पहले आप सभी को आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्दियों का मौसम है, गाजर का सीज़न है, तो आज मैं आपके साथ सिंपल तरीके से गाजर का हलवा कैसे बनाएं बनाना शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस बनता है और हेल्दी होता है। आप भी नए साल पर गाजर का हलवा बनाकर खाएं और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये 2 किलो गाजर ली है, ये देखिए लाल रंग की गाजर है और मोटी गाजर लेनी है। बारीक गाजर आप ना लें और अब इन्हें दोनों साइड से इस तरीके से कट कर लेना है। सारी गाजर को इस तरीके से कट करना है और पीलर से छील लेना है। गाजर को छील लिया है, अब 2 से 3 बार पानी में धो लेना है। पानी में 2 से 3 बार धो लिया है, अब किसी बड़े बर्तन में इन्हें कद्दूकस करना है। कद्दूकस करने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन कद्दूकस की हुई गाजर का हलवा बहुत ही यमी बनता है। अगर आपके पास समय कम है तो इनके छोटे टुकड़े भी काट सकते हैं। सारी गाजर को कद्दूकस कर लिया है, फ्लेम ऑन करके कढ़ाई गैस पर रख दी। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी का डालना है। थोड़ी देर घी को पिघलने देना है और जो ड्राई फ्रूट हैं बादाम काजू उन्हें रोस्ट कर लेना है। ये देखिए सबसे पहले मैंने बादाम को रोस्ट करने के लिए डाल दिया है, अब इसके अंदर काजू को डाल देना है। काजू को मैंने बाद में इसलिए डाला क्योंकि काजू जो है बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। रोस्ट किए हुए बादाम काजू हलवे में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप इन्हें रोस्ट करके नहीं डालना चाहते तो ऐसे भी ड्राई फ्रूट को हलवे में डाल सकते हैं। अब कद्दूकस की हुई गाजर को कढ़ाई में डाल देना है। अब इस गाजर को घी में मिक्स कर लें और बची हुई गाजर को भी आप कढ़ाई में डाल दें। देखिए कढ़ाई गाजर से पूरी भर चुकी है। अब इसको घी के अंदर धीरे धीरे करके मिक्स करना है और 4 से 5 मिनट तक भूनना है। भून कर बनाई हुई गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो कढ़ाई गाजर से भरी हुई थी अब बिल्कुल आधी हो चुकी है। अब इसे थोड़ी देर और भूनना है। अब इसमें 1 कप फ्रेश मलाई वाला दूध डाल देना है और इसे मिक्स कर लेना है। अब फुल आंच पर 2 से 3 मिनट तक इसे पकाना है। अगर आपके पास समय कम है तो आप गाजर का हलवा कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में भून कर बनाया हुआ हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। अब इस समय चीनी डाल दें। 1 कटोरी मैं चीनी डाल रही हूँ क्योंकि गाजर जो है मीठी होती हैं। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब चीनी को हलवे के अंदर मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर और पकाना है। आप देख रहे होंगे, ये देखिए चीनी जो है हलवे के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब थोड़ी देर इसे पकाना है। गाजर जो है अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डालकर थोड़ी देर और पकाएं। और जो बादाम और काजू रोस्ट किए थे अब उन्हें छोटे पीस में मैंने काट लिया था, उन्हें भी डाल देना है।
इसे मिक्स कर लें और थोड़ी देर और पकाएं। देखिए गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। देखने में जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अब इसे सर्व करने के लिए एक सर्विंग बाउल में निकाल लें। और ऊपर से काजू के साथ इसे गार्निश कर लें। गाजर का हलवा बनाने की वीडियो अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।